अच्छा अवैस भाई, एक भाई का सवाल आया हुआ है कि आपने अपनी वीडियोस में ये कह रखा है कि दज्जाल आ चुका है, उसका ये डिटेल भी आप बताते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें हदीस पाक से तो मिलता है दज्जाल जब आएगा तो उसके बाद यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे और उनकी आपस में जंग होगी और वो कत्ल कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर दज्जाल आ चुका है तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, दज्जाल के मामले को इतना लाइट ना लें कि बस दज्जाल आ चुका है और बस। दज्जाल का मामला बड़ा ही ख़तरनाक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी फितने हैं उन सब में सबसे बड़ा फितना जो है फितना दज्जाल होगा। तो ये इतना सिंपल नहीं है कि जैसे आसानी से बंदा कह दे कि वह दज्जाल आ चुका है। देखें, दज्जाल का जो सिस्टम है वो आ चुका है। जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो दजालिक सिस्टम का फर्स्ट डे, जो कैपिटलिज्म है वो दजालिक सिस्टम का सेकंड डे, और जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है ये दजालिक सिस्टम का थर्ड डे पॉसिबली है। असल तो हक अल्लाह ताला जानता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक। लेकिन उसके बाद क्योंकि हदीस रवायात में उसके फीचर्स, उसकी चीज़ें, हर चीज़ बताई गई हैं, दजाल एज अ पर्सन भी आएगा, वो अभी आना है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो कैलकुलेशंस हैं, जो अंदाज़े हैं, अप्रोक्सीमेशन हैं, उससे ये पता चलता है कि दज्जाल का खुरूज यानी वो 2034 के लगभग, 34-35 में, जैसे हमारी डिटेल में इसके ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, आपको यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएगा, कि दज्जाल 2034-35, जो उसमें मैंने सारा बताया हुआ है कि कैसे हमने कैलकुलेट किया 2034-35 का, तो उसमें दजाल एज अ पर्सन भी खुरूज करेगा। तो उस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल, अगर 2034 में उसने खुरूज करना है, और हमें बाज़ ऑल दो वेरी वीक रवायात हैं लेकिन उनसे पता चलता है कि वो तकरीबन 40 साल के लगभग उसकी एज होगी। तो उस कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो अभी हम 2022 में हैं, तो 12 साल तकरीबन रह गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो मतलब वो अच्छी खासी एज का होगा, जो भी बंदा होगा, जहाँ कहीं भी होगा, तो वो यकीनन पैदा हो चुका है एज अ पर्सन भी, लेकिन उसका खुरूज नहीं हुआ। तो जब वो एज अ पर्सन आएगा ना, तो फिर वो बाकी 37 दिन ज़मीन पर पूरे करेगा, और उसका जब टाइम ख़त्म हो जाएगा फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला आसमान से वापस ज़मीन पर भेजेंगे और फिर दज्जाल को कत्ल किया जाएगा। तो जब वो एज अ पर्सन आएगा फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, एज अ पर्सन वो अभी नहीं आया, और उसका हम बता चुके हैं डिटेल में। ये मैं अपनी टीम से कहता हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में ना सबसे ऊपर आप वो डाल दीजिएगा कि दज्जाल का खुरूज किस साल में होगा। तो वो पूरा हमने उसमें अहादीस के साथ, जियो पोलिटिकल इवेंट्स के साथ, मतलब सारा फुल एक 360 डिग्री हमने उसको कवर किया है कि कैसे हमने कैलकुलेट किया है कि दज्जाल 2034 में आएगा या 2035 के स्टार्ट में उसका खुरूज होगा। तो उसके बाद जो है, जब वो दज्जाल का खुरूज होगा, तो उसके 35-37 दिन के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से तशरीफ़ लाएंगे, दज्जाल को कत्ल किया जाएगा।